गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको मैथ में बीएससी पार्ट वन ट्रिग्नोमेट्री किताब चल रही थी, इसका वॉल्यूम फर्स्ट हो चुका था। वॉल्यूम फर्स्ट, आज क्या है सेकंड, ठीक है, ये वॉल्यूम सेकंड। आज सेकंड में हम क्या बताएंगे, फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने बताया था आपको डिमाइबर थ्योरम क्या है और डिमाइबर थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है, और सेकंड वीडियो में मैंने लिया है डिमाइबर थ्योरम का एग्जांपल, इस पे सवाल कैसे किए जाते हैं डिमाइबर थ्योरम पे, वो हम आज आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। जरा सा ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉब्लम ली है जिसका गिवन इस प्रकार है, ठीक है, 1 प्लस कॉस पाई प्लस आई साइन पाई अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस आई साइन पाई की होल पावर है, जैसा कि डिमाइबर थ्योरम में होता था, क्योंकि उसमें क्या था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर है। तो उसी प्रकार मैंने इसको राइट हैंड साइड में लिख रखा है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन फाई, सॉरी कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है और हमारा दिया क्या है, गिवन क्या है, दैट गिवन दिया है, क्लियर। तो सोल्यूशन गिवन इसी को मैंने लिख दिया, तो 1 प्लस कॉस फाई प्लस आई साइन फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई माइनस आई साइन फाई। 1 प्लस कॉस फाई आपने कभी शायद 9th या 11th या 12th की किताब में पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं है मालूम तो हम दिखा दे रहे हैं। जैसे 1 प्लस कॉस फाई को क्या है, कॉस थीटा को क्या होता है, नहीं क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी तो कॉस आएगा तो हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फाई है तो फाई मान लेते हैं, ठीक। ये तब है क्लियर, तो ये कैंसिल और ये कितना बचा, और ऊपर मैंने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया था क्योंकि इसको फार्मूले बेस में बनाना है, तो वही हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन फाई को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है, नहीं इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा या साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा, तो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया है, क्लियर। वो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है या इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, कोई किसी को दिक्कत नहीं, सीधा सा है। मैथ में इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से इस फार्मूले को बताया गया है और आपको कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया, कायदा में वैसे लगाते तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ये सब लिखा है, 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 प्लस आई साइन साइन 5 बाई 2 इंटू कॉस 5 बाई 2, ठीक है। अब इस अपॉन उसी प्रकार मैंने इसको लिख दिया, 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 2 आई साइन 5 बाई 2 इंटू कॉस 5 बाई 2, वही प्रक्रिया पावर है, ठीक है। तो ये इस तरह से बिल्कुल किसके जा रहे हैं, जैसा डिमाइबर थ्योरम में हम लोग करते थे या करते आए थे, उसी प्रकार मैंने इस सवाल को भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल डिमाइबर थ्योरम पे कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों भाई देखो, कॉस 5 बाई 2 प्लस आई साइन 5 बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 5 by 2 plus i sin 5 by 2। अब इसके बाद
उसी प्रकार जैसे इसको दिखाया वैसे ही मैंने इसको इस फॉर्म में दिखाया। बताओ फोन पे दिखा सकते हैं, इसको दिक्कत हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं करना है और इसको इस प्रकार मैंने लिख दिया। इसका पावर क्या लगा दिया, एट। ठीक है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, cos 5/2 प्लस 5 sin 5/2 ये लिख दिया। जब इसका जाएगा तो ये माइनस वाला केस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अपान में जाएगा तो अपान का ऊपर ले जाएंगे प्लस में, cos 5/2 प्लस i sin 5/2। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, cos भी a प्लस b वाला फार्मूला बन गया कि नहीं, cos a प्लस b sin। ठीक है, तो मैंने cos 5/2 प्लस 5/2 फिर इसके बाद i sin 5/2 प्लस 5/2 इसको इस प्रकार दिखा दिया, इसको पावर n। इसी प्रकार इसको मैंने फिर ये क्या लिख दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, cos phi प्लस i sin phi, इसको आपस में जोड़ेंगे आधा आधा कितना हो जाएगा, phi हो जाएगा, इसको आधा आधा जोड़ेंगे तो ये भी phi हो जाएगा, तो इसकी पावर n, तो n लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं, डी मायबर थ्योरम की शॉर्ट में उसी को मैंने इस प्रकार n का अंदर से गुणा कर दिया, cos n phi प्लस i sin n phi, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, राइट हैंड साइड, किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें पूछ सकता है, क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल इसी में ना दिक्कत हो रही है, बताइए कि इसका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकता है। कोई स्टेप मैंने सारी बिल्कुल उसी प्रकार दिखाया है जिस प्रकार उसमें करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसको मिटा दे, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी प्रकार सवाल है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या है, 1 प्लस, इसी प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, 1 प्लस साइन फाई प्लस आई कॉस फाई। ठीक है,